औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड में चपरा गांव स्थित पंचदेव मंदिर में देसी गाय के गोबर बनी इको फ्रेंडली राखियां अब जिले में और साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में मिलने लगी है। बहनों के द्वारा भाइयों की कलाई पर ये राखियां बांधी जाएंगी। इतना ही नहीं, यहां की राखियां फौजी भाइयों को भी भेजा जाएगा। झारखंड के जमशेदपुर से औरंगाबाद के पंचदेव धाम आकर सीमा पांडे यहां की युवतियों और महिलाओं को ना सिर्फ गोबर से राखियां बनाना सिखा रही है, बल्कि वे गोबर से दीपक, खिलौने और देवी देवताओं की मूर्तियां, अगरबत्ती, धूप बत्ती, डायबिटीज एवं बीपी मैट, मोबाइल रेडिएशन प्रोटेक्शन सहित कई प्रकार की सामग्रियां बनाकर आत्मनिर्भर बना रही हैं। मंदिर कमेटी के द्वारा सभी महिलाओं को उनके काम के आधार पर दैनिक भुगतान भी दिया जा रहा है। बता दें कि आधुनिकता के होर में इन चाइनीज और फैंसी राखियों को दूर करते हुए गोबर की राखियां बनाई जा रही हैं। अभी यहाँ मैंने देखा देसी गाय के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, राखियां बन रही है। अभी रक्षाबंधन का दिन है, और कैसे कैसे आपको यहाँ आने की प्रेरणा मिली, क्या क्या यहाँ बनता है और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं? ये बिहार में, बिहार औरंगाबाद में श्री श्री पंचदेव धाम एक मंदिर है और आश्रम है, बहुत कुछ है, गौशाला है, एक ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो यहाँ पर जब मुझे गौरक्षा विभाग के द्वारा बुलाया गया यहाँ देखने के लिए कि हाँ यहाँ पर आइए, थोड़ा महिलाएं बहुत सारी हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग भी दीजिए और यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्या कार्य हो सकता है। तो मैं आके यहाँ पर देखी तो मुझे दिखा कि हाँ यहाँ पर तो बहुत सारी गौ माताएं हैं जिन जो कि कटने जा रही हैं, उनको पकड़ के लाया जा रहा है। तो उन गौ माता तो दूध नहीं दे सकती हैं, तो हम बोले कि इन लोग के लिए रोजगार की भी ज़रूरत है, गौ माताओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। तो फिर मैं वहाँ से आके, जमशेदपुर में हमारा कार्य चलता था, फिर मैं वहाँ से आई और यहाँ रही। यहाँ पर मुझे यहाँ के जो संस्थापक हैं अशोक सिंह जी, उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ समय दे सकती तो महिलाओं के लिए भी रोजगार हो जाएगा एक खड़ा। तो हम बोले ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर रह के महिलाओं को गौ माता के गोबर से प्रोडक्ट बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि महिलाओं को भी रोजगार मिला है और गौ माता के लिए भी एक अपना, एक गौ माता भी खुद से खड़ी हो गई है समझिए। तो और गौ माता के गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं।